यूनिवर्सिटी से घूम के अभी हम ज्योति सर आ गए हैं। ज्योति सर में अभी हमने डिसाइड किया कि वाटर शो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एक नया, तो वाटर शो देख के जाएंगे। इधर पूरा स्कूल आया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल के सारे आए हुए हैं और शाम का हम देख रहे हैं लाइट शो। सो वेट एंड वॉच। ओके, सो अभी लाइट शो स्टार्ट हो रहा है। समय सदा गतिमान रहा। धनी दयालु प्रतापी राजा गुरु के समय मैंने क्षेत्र इस धर्म क्षेत्र को गुरु क्षेत्र कहलाते ही देखा है। भरतपुर और गुरु वंश के वंशक राजा गुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अवशय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि भक्त की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम से सुवासित होते भी देखा है। गुरु राज के प्रभावों गौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल पांच पद तो मांगे थे पांडव पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, श्रीपत और इंद्रपत, पर जब पांच गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो युद्ध अवश्य भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे दूत का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर मासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव गांव धन धान और संपत्ति पांडव दूसरे देव में चली जाती है। इस देव परिवर्तन को देखकर कोई भी दीर्घ बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं बताया। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं भी हैं और स्वयं भी अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। जो क्षमा से भरा हुआ है, मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, मेरा लोग पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने दर्शन कर लिए कुरुक्षेत्र के ज्योति सर ब्रह्म सरोवर, पिनोरमा, कृष्ण म्यूजियम। सो कविता का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो पूछते हैं कोमल तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत मजा आया। सबसे मस्त प्लेस कौन सा था चारों में से? सही सही वाला, ब्रह्म सरोवर, पिनोरमा, कृष्ण म्यूजियम और ज्योति सर वाटर शो। कविता को लगा ज्योति सर वाटर शो, पर मुझे सबसे सही लगा पिनोरमा। मुझे तो पिनोरमा अच्छा लगा। ओके, पिनोरमा अच्छा था ऊपर।